हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉनिटर पर। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने एटीएम कार्ड का पिन भूल गए हैं या फिर जिन्हें अभी नया एटीएम कार्ड मिला है और वो अपना पिन जनरेट करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एटीएम मशीन के थ्रू आप किस तरीके से एटीएम पिन जनरेट करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है तीन चीज़ों की। सबसे पहले आपका एटीएम कार्ड, दूसरा आपका अकाउंट नंबर और तीसरा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मतलब है जो नंबर आपने बैंक में दिया हुआ है वही मोबाइल आपके साथ होना चाहिए जब आप अपना एटीएम पिन सेट करने एटीएम में जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं एटीएम मशीन की तरफ, जहां पर हम जानेंगे कि एटीएम पिन जनरेट कैसे करेंगे। हम पहुँच गए स्टेट बैंक के एटीएम पर, जहाँ पर हम अपने भूले हुए एटीएम या फिर नया कार्ड जो हमने रिसीव किया है बैंक से उसके लिए पिन जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। सबसे पहले वो क्या होगा, एक तो आपका एटीएम कार्ड जो आपने रिसीव किया हुआ है या जिसके लिए आपको पिन जनरेट करना है, दूसरा आपका अकाउंट नंबर, ठीक है, और तीसरा एक और चीज़ है वो है मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड जो आपने बैंक में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, ये स्लॉट है जहाँ पर आपको कार्ड इंसर्ट करना है। तो मेरे पास मेरा एटीएम कार्ड है, मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद में आपको ये मैसेज शो करेगा कि आपको कार्ड को रिमूव नहीं करना है। उसके बाद लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश, और फिर 10 से 99 के बीच में कोई भी नंबर मैं प्रेस कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 25, तो मैं 25 कर देता हूँ। उसके बाद येस करना होगा। येस के बाद में आपको पिन जनरेट करना है, तो पिन जनरेट पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना है जिसके लिए आपको पिन जनरेट करना है और जिससे आपका एटीएम कार्ड लिंक्ड है। तो मेरे को जैसे याद है मेरा अकाउंट नंबर, मैं वो पुट कर देता हूँ। और फिर करना प्रेस इफ करेक्ट पे। यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर ध्यान रखिएगा वही डालना है जो आपने बैंक में दिया हुआ है, क्योंकि इसके बाद इस पर एक SMS आने वाला है। ये मैंने कर दिया और कंफर्म कर दिया इसके बाद, ठीक है। कंफर्म करने के बाद में आपको मैसेज शो करेगा कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। देखिए एक स्लिप दे दिया इसने और इसने बोल दिया इस पर कि आपको पिन जनरेशन रिक्वेस्ट जो था वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और आपको थोड़ी सी ही देर में एक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज मिलेगा। देखिए मुझे मैसेज रिसीव हो गया मेरे इनबॉक्स में, जिसमें मेरे को एक OTP मिला है। इस OTP को 24 आवर्स के अंतर्गत मैं ATM में जा कर के कभी भी अपना पिन जनरेट कर सकता हूँ। आपको एक बात का स्पेशली ध्यान रखना है, आपको जो ये आपका OTP मिला है वो आपको वर्ड्स में मिलेगा, ना कि डिजिट्स में। देखिए लिखा हुआ है कार्ड एंडिंग 8633 इज़ 4269, जो 4269 लिखा हुआ है ये वर्ड्स में लिखा हुआ है और यही आपका वन टाइम OTP है इसके लिए, ठीक है। पिन जनरेट करने के लिए जो आपको OTP मिला है वो 4269 है। तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे। मैं कार्ड दोबारा से इसमें इंसर्ट करूँगा अपना। ये मैसेज शो करेगा बिल्कुल जैसे पहले किया था हमने, वही करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद मैं कोई भी नंबर, जैसे 25 बोला हुआ है तो 25 मैं कर लेता हूँ। इसमें जाऊँगा मैं, जो मेरे को OTP आया है 4269 वो मेरे को इसमें प्रेस करना है अब, ठीक है। इसके बाद मैं जाऊँगा बैंकिंग में, इसके बाद मैं जाऊँगा, देखिए पिन चेंज ये ऑप्शन आ रहा है, पिन चेंज, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अपना जो भी नया पिन मेरे को बनाना है वो मैं इस यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। मुझे कोई भी पिन करना है, देखिए ये री एंटर कराने के लिए बोलेगा आपसे, कंफर्म करता है और ये कर दिया मैंने अपना नया पिन जनरेट। इसके बाद में आपको मैसेज रिसीव होगा आपके इनबॉक्स में। देखिए मैसेज आ गया पहले तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट, और आपके इनबॉक्स में भी आ जाएगा कि योर पिन हैज़ बीन सेट सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस तरीके से आप ATM के थ्रू अपने नए कार्ड या भूला हुआ पिन कोई भी है आप रिसेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।